भगवान में मन लगाने के लिए संसार से मन को हटाना ही पड़ेगा। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था, बहुत ही सरल था, बहुत सज्जन, बहुत भोला था। एक कमी थी उसकी कि वो खाता बहुत था, बहुत खाता था, खाता बहुत था पर काम कुछ करे ना। काम करेगा भी तो कैसे, जहां खाए जितना खाए वहीं लुढ़क जाए, इतना खा लेता था। एक के बाद एक किसी के यहाँ कार्यक्रम में गया, खा गया 20-25 पूड़ी। एक आदमी उसको देखे जा रहा है कि ये पूड़ी के पूड़ी उड़ाया जा रहा है, खाया जा रहा है, और खा खा के कहता है कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। जब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया तो उसने कहा, भैया देख तू ये मत कह कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तू तो ये कह कि बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम। कब से खाए जा रहे हो, बीच में थोड़ा पानी तो पी लो। उसने कहा, पानी तो पी ले पहले, बीच तो आए। अभी उसका बीच ही नहीं आया, बहुत खाता था। घर वालों ने तंग हो करके उसको घर से निकाल दिया कि तुम तो जाओ, काम कुछ करते नहीं हो, इतना खाते हो, निकल जाओ घर से। क्या करता, बड़ा भोला था, चला आया घर से। दिन भर भूख के मारे यहाँ वहां घूमा, कुछ ना मिला तो फिर वापस घर को गया। घर वालों ने पूछा, तुम फिर वापस आ गए? व्यक्ति कहता है, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूँ कुछ इस ख्याल से। घर वालों ने कहा, देखो यहाँ कोई पछता नहीं रहा है, तुम यहाँ से चले ही जाओ, तुम्हारे लिए भोजन पका पका के हम सब थक गए हैं, एक काम तो तुमसे होता नहीं। क्या करता, रास्ते में चलते चलते उसको एक महात्मा जी मिले, सारी व्यथा उसने बताई। महात्मा जी ने कहा, तुम एक काम करो, अयोध्या जी चले जाओ, बड़ा अच्छा हुआ कि तुमको मोह माया से घर वालों ने खुद ही अलग कर दिया, यहाँ हमको छोड़े छूटता नहीं। संत महात्मा तो ऐसे दिव्य बातें करते हैं, वो हर निगेटिव बात में, हर नकारात्मक बात में सकारात्मक विचार निकाल ही लेते हैं। तुम भगवान का नाम जपो और अयोध्या जी चले जाओ। चला गया वहां पर, वहां पहुंच के भी क्या करे, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तभी उसको एक मंदिर के बाहर एक महात्मा जी मिले, गुरुदेव, बड़े लंबे चौड़े मोटे ताजे गोरे चिट्टे। उनको देख करके इसका मन, इसने सोचा कि ये खूब खाते होंगे, कितने मोटे ताजे हैं। अब वो खाता था तो उसको लगे कि ये भी खूब खाते होंगे। भागा भागा आया महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज हमें भी अपना चेला बना लो। प्रणाम करके सर को उठाया तो देखा 3-4 चेले उनके और आसपास खड़े हो गए, वो भी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। अब तो और खुश हो गया, गुरुदेव मुझे भी चेला बना लो। गुरुदेव ने कहा, ठीक है बन जाओ। कंठी दे दी, माला दे दी, मंत्र फूंक दिया। महाराज जी हमें करना क्या होगा? अरे करना क्या है, सुबह शाम आरती होती है आश्रम में, आरती में खड़ा रहना पड़ेगा, दो टाइम पंगत होती है, तो खूब प्रेम से पाओ भोजन।
जो मंत्र दिया है राम नाम जपो। बड़ा खुश हो गया, यहाँ तो बड़ा आनंद ही आनंद है, करना कुछ है नहीं खाने को भर पेट। लेकिन गुरु जी एक विडंबना है, मेरा दो टाइम से काम नहीं चलेगा। गुरुदेव ने कहा तुम चार टाइम खा लिया करना। अब बड़ा खुश। एक दिन एकादशी आई, सुबह सुबह उठकर रसोईया में गया, सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, बर्तन साफ सुथरे रखे हैं, कुछ ना बन रहा है ना कुछ। बड़ा घबराया, भागा भागा गुरुदेव जी के पास आया। बोला महाराज जी आज भोजन नहीं बन रहा है, सारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। गुरुदेव ने कहा तुम्हें पता नहीं है आज एकादशी है। हाँ तो क्या आज सबको व्रत करना है, सबका उपवास है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा हमें भी करना पड़ेगा। हाँ तुम वैष्णव हो गए हो, बाबा हो गए हो, नियम तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा आपके इतने सारे चेले हैं, उनसे करवा लो एकादशी, क्योंकि अगर हमने एकादशी कर ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, पहले ही मर जाएंगे। गुरुदेव को दया आ गई, उन्होंने कहा देखो आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा ना कुछ मिलेगा, तुम बना लोगे। व्यक्ति ने कहा मरता क्या नहीं करता, बनाना ही पड़ेगा। भंडार गृह से उसको जो भी बनाने की सामग्री थी, आटा गुड़ रामरस तेल जो भी सामान था सामग्री लेकर के कहा नदी किनारे जाओ, वहीं बनाओ वहीं पाओ, क्योंकि यहाँ ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। सामग्री लेकर के जब वो जाने लगा, गुरुदेव ने कहा देखो तुम अब वैष्णव हो गए हो तो बिना भगवान को भोग लगाए खाना मत। ठीक है गुरुजी। आया जैसे तैसे नदी से जल भर कर लाया, भोजन पकाया। अब गुरुजी की बात याद आई कि बिना भोग लगाए नहीं खाना है। भोजन बनाया, परोसा और भगवान को बुलाने लगा। उसे लगा भगवान आते होंगे, आंख बंद करके बैठ गया। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। न पूड़ी कचौड़ी कोई छप्पन भोग नहीं है, मिठाई भी नहीं है। जब भगवान फिर भी नहीं आया तो इसने ऐसी बात कर दी कि फिर भगवान से रहा ना गया, भगवान रिझ गए। कहता आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर सूखी रोटी कौन खाए, नदी का पानी कौन पिए, मंदिर में चले वहां से छप्पन भोग लगेगा, वहां पे अच्छा माल पानी खाएंगे, पर भगवान भ्रम में मत रहना। मंदिर से ही तो हम जान बचा कर आए हैं, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रोके सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रोके सूखे। हो भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रोके सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रोके सूखे। वहाँ एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी है आज मंदिर में बैठ रहोगे भूखे। इसलिए ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। प्रभु प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए उसके सामने, लेकिन सीता समारो पितवाम भागम। अकेले प्रकट नहीं हुए, राम वाम दिस जानकी, माता जानकी के साथ प्रकट हुए। चरणों में प्रणाम किया, एक बार माता जानकी की ओर देखे, दूसरी बार अपने रोटियों की तरफ देखे। माता जानकी की ओर देखे, फिर रोटियों की तरफ देखे कि मैंने तो एक को बुलाया था, यहाँ दो दो भगवान आ गए। कहता है प्रभु आप बड़े सुंदर दिखते हैं, थोड़ी एकादशी तो आप हमारी करा ही देंगे। भगवान को भोजन परोसा, भगवान ने भोजन पाया और अंतर्ध्यान हो गए। जब ये वापस आश्रम आया तो बताया नहीं गुरुदेव को कि भगवान भोजन करने आए थे। बड़ा सरल था, इसे लगा ऐसे ही भगवान हर जगह आते होंगे, भोजन खाते होंगे। अगली एकादशी आई तो गुरुदेव से बोला, गुरुदेव वहां दो दो भगवान आते हैं तो थोड़ा आटा बढ़ाओ। गुरुदेव को लगा कि थोड़ा भूखा रह गया होगा, बहुत खाता भी है ये, इसलिए आटा बढ़ाया और सारी सामग्री बढ़ा करके जब आने लगा, गुरुदेव ने फिर बात याद दिलाई कि देखो भगवान को भोग लगाए बिना मत खाना, आज इसलिए आया, भोजन पकाया, आंख बंद किया, फिर बुलाने लगा। पहले कहता था प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, आज कहता है सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार भगवान तुरंत प्रकट हो गए, मानो भक्त के पुकार की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इस बार प्रकट हुए तो, लेकिन राम वाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। माता जानकी के साथ लखन भैया को भी लेकर प्रकट हुए। पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ प्रभु तुरंत पधारे, दूसरे ही क्षण दुखी हो गया कि मैंने तो दो को बुलाया था, इस बार तीन तीन आ गए। अब लखन भैया की ओर देखे, फिर अपनी रोटियां गिनने लगे। प्रभु आप कितने सुंदर दिखते हो, थोड़ी एकादशी आज मेरी फिर से हो जाएगी। भोजन पवाया भगवान को, माँ जानकी भी मंद मंद मुस्काए रही थी। लखन भैया कह रहे हैं अच्छी अवभगत हो रही है, कैसे भक्त के यहाँ ले आए, रोटियां गिन रहा है, कह रहा है दो को बुलाया था तो तीन कैसे आ गए। भगवान जब जाने लगे तो कहता है, चरणों में प्रणाम करता है, बारंबार कहता है भगवान आप बड़े सुंदर दिखते हो, एक बात बताते जाओ कि अगली बार कितने आओगे, उतने की भोजन व्यवस्था करके रखूंगा। भगवान ने बताया नहीं, अंतर्ध्यान हो गए। अगली एकादशी आई, फिर इसने और
गुरुदेव से बोला कि वहाँ भूत भगवान आते हैं, थोड़ा तो आटा बढ़ाओ। भंडार गृह से इसको आटा बढ़ा के दिया गया, उसी के हिसाब से सामग्री दी गई, लेकर के आया नदी के किनारे, भोजन पकाया। इस बार सामग्री ला करके रख दिया, लेकिन भोजन को पकाया नहीं। बोला जितने आएंगे आने के बाद ही पकाएंगे। गुरुदेव ने भी सोचा कि इतना तो ये खा नहीं सकता, आज मैं इसका पीछा करूंगा कि इतने अनाज का ये करता क्या है, जरूर ये बेचता होगा। बिना भोजन पकाए ही बुलाने लगा। ओ राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। तुरंत ही भगवान प्रकट हुए, लेकिन जब जंगल में भक्त ने कीली मधुर पुकार, तब तब छड़ में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। बोल राम दरबार की। इस बार भरत शत्रुघ्न, माता सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, भीषण, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। इसने भी कहा प्रभु जय हो। एक को बुलाया तो दो आए, दो को बुलाया तो तीन। हमने ठाकुर जी का ठेका ले रखा है कि पूरे खानदान का आज सब इकट्ठे, पर भगवान मेरी भी बात सुन लो, आज मैंने भोजन ही नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? इसने कहा जब मुझे मिलना ही नहीं है तो बना के क्या फायदा, अब खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ, बचेगा तो मुझे भी बुला लेना। लक्ष्मण भैया ने कहा अजीत भक्त के यहाँ ले आए। भगवान ने कहा जैसे भक्त की इच्छा। अब सभी अपने अपने कार्यों में लग गए। भोजन कौन बनाने लगा? श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। भरत जी भंडारी बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। भरत जी भंडारी बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लखन राम लाने लगे। चुनकर लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुनकर लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पूछ से अंजनी चौका को, पूछते पूछ से अंजनी चौका को, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। विश्व का भरण पोषण करने वाले भरत जी भंडारी बनाने लगे।
भोजन बनाने के लिए लकड़ी लखन लाल लाने लगे। हनुमंत लाल जी अपने पूंछ से पोछा लगाने लगे, पीछे हाथों से पोछा लगाने लगे, पीछे हाथों से पोछा लगाने लगे। अब ये सारा कार्यक्रम वो नेत्र बंद करके देख रहा है। इतने में वहां गुरुदेव पधारे और दूर से देख रहे हैं, भोजन सामग्री रखी हुई है, ये पेड़ के नीचे आंख बंद किए हुए बैठा हुआ है। ये तो इस इंतजार में है कि ये कार्यक्रम सारा हो रहा है, भोजन भी बचेगा तो मुझे भी मिलेगा। लेकिन रसोईया में बैठी हैं माँ जानकी, और जब ऋषि मुनियों को पता चला कि माँ सीता भोजन पका रही है, भोजन सिद्ध कर रही है, तो दूर दूर से सभी ऋषि मुनि भागे भागे आए कि मैया हमें भी प्रसाद मिले। पाके संकेत शक्ति जथे वहां, अष्ट नवनिधियों के आने लगे, अष्ट नवनिधियों के आने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, चुनकर लकड़ी लखन लगे। जब देखा कि ऋषि मुनि भागे भागे आ रहे हैं, तब तो और हाथ पैर बांध के बैठ गए कि थोड़ा बहुत जो मिलने का आस था वो ये सब मुझे खाने नहीं देंगे। सारा दृश्य नेत्र बंद करके देख रहा है, गुरुदेव पधारे। बोले तुम यहाँ बैठकर कर क्या रहे हो? कह धन्य भाग गुरुदेव आप यहाँ पधारे, देखो कितने भगवान आपने मेरे पीछे लगा दिए। एक को बुलाया तो दो आते थे, दो को बुलाया तो तीन, आज तीन का आटा लेकर आया तो पूरा खानदान आ टपटा। भगवान को बड़ी क्रोध आया, किसकी बातें कर रहा है ये? कह रहा आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सामान ये रखा, तुम इधर आंख बंद किए बैठे हो। अब तो ये और रोने लगा कि अब तो ये मुझे साबित भी कर देंगे कि मैं झूठा हूँ। एक तो मुझे भोजन नहीं पाने को मिलता, ऊपर से गुरुदेव को ये दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। हाथ जोड़कर भगवान के पास गया, प्रभु आप मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिखते? मैं तो अज्ञानी हूँ, ये तो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हमसे ज्यादा योग्य हैं, इन्हें भी दिखो वरना ये मुझे झूठा कहेंगे। भगवान ने कहा मैं इन्हें नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी तरह सरल नहीं है, भोले नहीं है। हम सरल व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। अब जैसे जैसे भगवान ने कहा, इसने आकर गुरुदेव को कह भी दिया कि भगवान कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं। अब ज्ञानी तो हैं लेकिन सरल नहीं हैं, और वो इसीलिए आपको दिख नहीं सकते। गुरुदेव की आंखों में आंसू बहने लगा, हाथ जोड़कर शिष्य के चरणों में बैठकर रोने लगे। तब भगवान ने उनको भी साक्षात दर्शन दिए। वो रामचंद्र भगवान की। गुरु जी ने कहा हम सदा से एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि गुरु ने शिष्य को भगवान तक पहुंचाया। आज पहली बार हो रहा है कि शिष्य के वजह से गुरुदेव ने भगवान के दर्शन किए।